हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ठीक है, बाकी के डेरिवेशन हो चुके हैं इसके पहले इसके बाद के। ठीक है, देख सकते हैं आप वहाँ पे, देखिए प्लेलिस्ट पे जाइएगा सेक्शन पर। ठीक है, तो चैनल पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइएगा, लास्ट आप स्क्रॉल करेंगे आपको वहाँ पे डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको होम पेज पे भी दिख जाएगा। ठीक है, नीचे ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में आपको दिखेगा वहाँ पे डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको दे रखा होगा। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या है ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, यानी कि कोई भी जनरल पॉइंट दे रखा है किसी डायपोल में। ठीक है, डायपोल है मतलब पी वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर यानी कि क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू इंटू टू ए लिखते हैं। ठीक है, पहले तो इसको देख लेते हैं क्या करेंगे। तो देखिए जनरल सी बात है, यहाँ पे अपना पॉइंट चार्ज नहीं दे रखा है कि हम लोग एक पॉइंट माने। ठीक है, तो यानी कि हमें दो पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दे नहीं रखा है यानी पे पॉइंट चार्ज तो नहीं ना लिखा है, तो यानी कि हम लोग दो मान सकते हैं। तो हम लोग दो पॉइंट मान लेते हैं, एक हो गया आपका माइनस और एक प्लस के लिए। ठीक है, तो ये माइनस क्यू लेट सपोज, ये प्लस क्यू ऐसा मान सकते हैं, किसी को भी कहीं भी मानो। ठीक है, प्लस क्यू किसी को भी मानो कहीं पे भी। ठीक है, वो माइनस क्यू प्लस क्यू है ना बस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, कंसिडर करना होगा हर एक हर हर जगह। हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम लोग पॉइंट को कंसिडर करते हैं ना, जैसे कि हम लोग जो है कभी भी इन दो चार्जेस के बीच में कभी कंसिडर नहीं करते। कब करते हैं, एक्सियल वगैरह जब आता है तब करते हैं, या हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज उसमें किए थे कंसिडर। ठीक है, बट ऐसी कोशिश करते हैं कि बाहर ही करते हैं। ठीक है, तो बाहर ही करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाहर एक पॉइंट ले लेंगे पी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका डिस्टेंस तो होगा ना कुछ, इसलिए हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेने के बाद इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये 2a है। ठीक है, 2a है, यानी कि जाहिर सी बात है बीच में एक मिडिल पॉइंट होगा, जिसका क्या होगा, इससे और यहाँ पे माइनस क्यू से डिस्टेंस a होगा, इधर से a होगा। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये अपना मिडिल है। ठीक है, सेंटर है। ठीक, क्लियर। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, इसको ओरिजिन के तौर पर एक ओ मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, लेट सपोज ओ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट की तक का हमें यहाँ पे डिस्टेंस को मेशर कर लेना है। ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा, तो देखिए जितना ज़्यादा एंगल नीचे झुका होगा, ठीक है, स्टीप होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वो झुका रहेगा, डिक्रीज रहेगा एंगल उसका जो है, उससे लगा हुआ जो होगा ना लाइन, वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, लेंथ बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो एंगल है ना, इसका एंगल क्या है, अगर इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, इस लाइन को और बढ़ाया जाए और इसके एंगल को देखा जाए और एक इसको एंगल को देखा जाए, जितना ज़्यादा एंगल कम होगा उसका लाइन उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका इसीलिए लाइन जो है कम है, क्योंकि एंगल ज़्यादा है और यहाँ पे जो है एंगल कम है, तो इसका मतलब लेंथ ज़्यादा है इसका। ठीक है, अब खैर ज़्यादा और कम की बातें कर ले, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये अपना मान लेते हैं, ये अपना आर वन हो गया, ये आर टू हो गया। ठीक है, डिस्टेंस मान लिए। ठीक है, और जो बीच में जो पॉइंट हम लोग ड्रॉ किए वहाँ से भी एक डिस्टेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आर हो गया सब। ठीक है, आर वेक्टर, क्लियर है, ओके, समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो है एंगल मान लेते हैं थीटा, लेट सपोज। ठीक है, लेट सपोज अपना क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अब देखिए ये जो है अपना बता दिए ना कि आपको ये लेंथ क्या है, आर वन बड़ा है, ये तो हम आपको बता दिए एंगल से, बताए ना। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट से, ठीक है, ये अपना मान लो अगर बी है, ये ए है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉइंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो है क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने से हमें जो है एग्जैक्ट जो है हमें लेंथ पता चलेगा, किस चीज़ का लेंथ पता चलेगा, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ पता चलेगा। जैसे कि हमें पोटेंशियल निकालना होगा, वी वन और वी टू निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जो है डिस्टेंस अगर हमें मालूम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है कि ये और ये बराबर नहीं है, हमें जो है ऐसा चाहिए कि जो बराबर हो। तो हम लोग यहाँ पे बराबर करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि ये छोटा हो गया ज़्यादा, ये बड़ा हो गया, बट एक्चुअली में क्या है, इस डायग्राम तो ये तो मेरा हाथ से बनाया हुआ, ठीक है, यानी कि हैंड रिटन। तो यहाँ पे अगर ऐसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, तो ये छोटा बड़ा इसका मत देखिएगा, एग्जैक्टली में क्या होता है, ये और ये क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आर वन यानी कि पूरा आर वन नहीं, इसको और इस इतना जो है पार्ट, और यहाँ से यहाँ पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी स्मॉल अगर एंगल बनता ना, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है,
वेरी स्मॉल एंगल, कॉन्सेप्ट समझना है। वेरी स्मॉल अगर थीटा होता है, ठीक है, थीटा होता है या एंगल होता है, वही बात है, एंगल या थीटा, ठीक है। अगर छोटा हो बहुत ज़्यादा, तो अगर हम उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो वही अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये हम बड़ा बनाए फिगर, ठीक है, वरना इतना छोटा सा छुटकी सा बनाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, दिखेगा भी नहीं अच्छे से। तो इसीलिए एक्चुअली में ये है क्या, बहुत ही छोटा एंगल है, मतलब बहुत ही छोटा डायग्राम है, ठीक है, बहुत ही इतना इतना सा चीज़ में, इतना सा पार्ट में समटा हुआ है पूरा फिगर, ठीक है। और उस फिगर को हम बड़ा करके, लार्ज करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आप समझ में आया। ओके, तो छोटू सा डायग्राम बनाना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह दिखाए तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब जाहिर सी बात है हमें इसका डिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या करेंगे इस आर वन में, ठीक है, ये आर वन तो पूरा है ना, ये पी पॉइंट से लेकर पूरा इस पॉइंट तक, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट है, ठीक है। तो इस पी से लेके माइनस क्यू चार्ज तक का यहाँ पे क्या है, आर वन है, ठीक है। तो आर वन में से इस एंगल को, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है आर टू, इसको माइनस कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। जाहिर सी बात है हमको बराबर करना है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ये तो हम दिखा नहीं सकते ना कैसे, ठीक है, ये समझा ही सकते, दिखा तो नहीं सकते। देखिए, कोशिश करते जैसे क्या कि अगर मान लो ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ हो गया और ये आपका इतना लेंथ हो गया, ठीक है, ये इतना ही लेंथ ले लीजिए। तो अगर हमको इतना लेंथ चाहिए, लेट सपोज इसको और ये बराबर हो जाएगा इतना लेंथ से, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आर वन में से अगर हम इस आर टू को माइनस कर देंगे तो हमारा जो ये लेंथ बचेगा, ठीक है, ये तो आपका बचा हुआ पार्ट, और ये जो है ये और ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब तो समझ में आया, ठीक है, तो देखिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये बराबर हो जाएगा, यानी कि अपना ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, अपना आर वन माइनस आर टू लिख सकते हैं, आर वन माइनस आर टू, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, इतना बात समझ में आया। और यहाँ पे हम लोग थीटा लिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या कर लें, अब देखिए, अच्छा डायपोल को भी दिखाना है यहाँ पे, डायपोल का तो एम रोल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डायपोल को दिखाते हैं हम लोग किस तरह, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, जो डायपोल होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, यानी कि उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वेक्टर हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप जो कुछ भी निकालें यहाँ पे बस उसको लिख देते हैं एज यूजुअल, ठीक है, क्या क्या हम लोग माने बस उसको लिख देते हैं। पहले तो हम लोग माने यहाँ पर, ठीक है, कंसिडर किए कि लेट माने यहाँ पे ए पी जो है अपना क्या है, आर वन है, ठीक है, ये ए और पी, ये क्या है, आर वन, ठीक है। और हम लोग क्या कंसिडर किए हैं यहाँ पर कि ए यहाँ पे बी पी, ठीक है, बी पी क्या है अपना, आर टू है, ठीक है, ये आर टू है ना, ठीक है, आर टू है, क्लियर, थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए, बी पी इक्वल्स टू आर टू, ठीक है, और ये भी अच्छे से लिखा जाए आर वन, क्लियर है। अच्छा, अब ये चीज़ जो हम लोग कंसिडर कर लिए ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू निकलेगा, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, ठीक है, क्या होता है सिंबल वी, ठीक है, तो ये यू मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस यू वी टू निकलेगा ना, दो चार्जेस है, दो का पोटेंशियल निकलेगा दोनों का, और हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, नेट पोटेंशियल, क्लियर है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, क्या पता है आपको वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, ठीक है, के का वैल्यू अब लिख देते हैं हम, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 × 10 की पावर 9 लेते हैं, ठीक है, खैर न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात नहीं करते, यहाँ पे डेरिवेशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये पूरा का वैल्यू हो जाता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूमेरिकल में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, के का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया क्यू, क्यू यहाँ पे माइनस के साथ है, ठीक है, तो माइनस के साथ लिखेंगे क्या, ठीक है, लिख देते हैं माइनस क्यू, और यहाँ पे आर आ गया, ठीक है, क्लियर, आर वन ले लेते हैं, यहाँ पे आर वन है ना, ये आर वन, ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। अच्छा,
माइनस क्यू की तरफ जो है ये आर वन है, ठीक है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा ले रहे हैं, ये आधा नहीं ले रहे ना हम लोग, यहाँ पे माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या है पूरा ये आर वन, ठीक है, तो आर वन लिखे यहाँ पे, प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा लिख दिया जाए, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है, ठीक। अच्छा तो हमारे पास क्या आ गया, इंटू प्लस क्यू बाई आर टू आएगा, डिस्टेंस पी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया आर टू, यानी कि हमारे पास वी इज इक्वल टू ऐड होगा, तो ऐड होगा तो ये पूरा पूरा जीरो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे क्वांटिटी नीचे वाला देखिए चेंज है, ठीक है, अगर आप प्लस ऊपर वाला देख रहे हैं तो ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे आर वन और यहाँ पे आर टू है, अलग अलग है, तो यानी कि ये बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलेगा और यहाँ पे क्यू निकलेगा, ठीक है, क्यू निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, अंदर रह जाएगा आपके पास 1/r1, ठीक है, और क्या रह जाएगा आपके पास, और आपके पास हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा ये माइनस कैसे आ रहा है पता है क्या, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस आर वन होगा ना, ये माइनस साइन और ये आर वन, ठीक है, माइनस 1/r1 प्लस यहाँ पे 1/r2, ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, बात एक ही है, बात एक ही है दोनों बात, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, कुल मिला के बात तो यहीं पे यही हुआ कि यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, वी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू है ये, ठीक है, ये वी मत समझिए क्यू है, क्यू इज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो अंदर आपके पास होगा नीचे आर वन आर टू, ऊपर हो गया माइनस आर टू प्लस आर वन, हो गया, ठीक है, इतना बात सही है, क्लियर है, देखिए इतना बात सही है, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट पी से जो दूरी है अपना डायपोल का, ठीक है, वहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यानी कि आर वन, देखिए डायपोल का इंटरक्ट यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है, ठीक है, डायपोल का, तो यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर ये यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर जो है अपना ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कुछ कंसिडर नहीं किए, चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हम लोग निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली हम दिखा रहे हैं कि आर वन माइनस आर टू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, आर वन माइनस आर टू क्या हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू सिंपल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमको वैल्यू निकालना है, ये और ये, ठीक है, ये और ये दो ही चीज़ तो दिया है यहाँ पे, ये चीज़ दिया है क्या, ये पर ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ है, ये बेस नहीं दिया है, तो सिंपल सी बात है नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया रहता है उसी से हम लोग निकालते हैं, यस हमेशा तो वही करते हैं, तो यानी कि हमको दिया है यहाँ पर, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस दे रखा है और आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, क्या आपको पता है यहाँ पे, ये आपका, ठीक है, ये कोड वर्ड होता है याद करने का, ठीक है, जो अपना साइन के लिए होता है, कॉस के लिए और टैन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे थे कि बेस तो नहीं दे रखा है, यहाँ पे पी और बोल रहे थे एच दे रखा है ना, यानी कि अपना साइन यहाँ पे दे रखा है, साइन होगा कि कॉस दे होगा, यहाँ पे ध्यान से सोच लीजिए आप, पहले ध्यान से सोच लीजिए आप, देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है, क्लियर है बात, अच्छा यहाँ पे ये हाइपोटेनियस इसके सामने वाला, और ये क्या है अपना, ये वाला चीज बेस हो गया, ठीक है, काफी लोग तो यही समझ नहीं पाते कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है, यहाँ से ये और हाइपोटेनियस से जुड़ा हुआ है जो, वही होता है आपका बेस, तो ये अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस, यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यानी कि आपको बेस दे रखा है और हाइपोटेनियस दे रखा है, ठीक है, कन्फ्यूज कर मत जाइएगा, बेस और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, ये वाला चीज़ करेक्ट है ना, ये वाला चीज़ कॉस होगा, यानी कि तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा निकालते, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी को रखेंगे ऊपर, बी क्या है आर वन माइनस आर टू,
बाई हाइपोटेनियस 2a, यानी कि हमको आर वन माइनस आर टू यहाँ से निकल गया 2a cos थीटा निकल गया, इसको हटा दें, निकल गया ना, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, बायो वाले के लिए ये सब थोड़ा सा हार्ड लगता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चीज़, इसीलिए आपको बताना पड़ता है ये चीज़। अब मैथ्स वाले के लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है, उन लोगों को तो याद होगा, तो क्या लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉमन चीज़ क्यों बता रहे। तो बायो वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, इसलिए बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब हर तरह के लोग आते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये चीज़ आपको निकल गया, क्लियर है। अच्छा आर वन आर टू, अब हम लोग देखिए यहाँ पर ये चीज़ निकल आए, अब यहाँ पर देखिए अब हमें ये चीज़ भी निकालना होगा, आर वन इंटू आर टू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि यहाँ से आपका क्या हो गया, ये जो हो गया आर वन माइनस आर टू, ठीक है, ये अपना ये चीज़ हुआ ना। लेकिन आपके पास यहाँ पे आर वन और ये आर टू ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, बराबर हो जाते हैं ना। ओके समझ में आ रहा है, जाहिर सी बात है, देखिए थोड़ा सा समझाया जाए, ये पूरा आर वन हो गया पी से लेके ए तक, आर वन ए पी माने भी है, ठीक है, ए पी आर वन, आर वन में हमको माइनस करना है आर वन माइनस आर टू, ठीक है, देखिए आपको दिखा रहे प्रूफ भी, ठीक है, कैसे हो रहा है ध्यान से देखेंगे, ये आर वन हो गया माइनस आर वन प्लस आर टू, यानी कि ये और ये कैंसिल आर टू के बराबर, ठीक है, यानी कि ये पार्ट जो हो गया इतना R2 हो गया। अब यहाँ R2 और R1, ठीक है, एक तरह से बराबर हो गए, मतलब R1 नहीं बोलो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ये R2 हो गया, ये भी R2 हो गया, तो यानी कि अपना क्या हो गया बराबर वो दोनों पार्ट्स, तो अपना क्या लिख सकते हैं हम लोग वहाँ पे कि R1 R2 जो हो गया ये आपका क्या हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है पता है क्या, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आर है, तो हम बताए थे कि R2, ठीक है, बताए ना R2, R2 के बराबर है ये डिस्टेंस R2, ये भी डिस्टेंस R2, क्या यहाँ पे P और ये अगर मान लो C हो गया, ठीक है, ये कोई पॉइंट C है, तो PC और यहाँ पे PB क्या हो गया R2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि R का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा ये दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पूरे का ये स्क्वायरिंग मिलेगा, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं तो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा तो अब देखिए यहाँ से आपका हो क्या गया, ये आपको यहाँ पे सिंपल ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बस वैल्यूज़ को पुट करना है, तो क्या हो जाएगा अपना v इज इक्वल टू यहीं पे हम लिख देते हैं क्या, छोड़िए यहीं पे नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं तो कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, देखिए यहाँ से हम लोग का q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नीचे दिख रहा है ना बोर्ड, नीचे दिख रहा है यानी तो v इज इक्वल टू देखिए q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका R1 माइनस R2, ठीक है, ये R1 माइनस R2 यहाँ पे आ गया 2a cos थीटा बाय, ये क्या हो गया अपना आर स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अपना ये फॉर्मूला आया, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, आगे नेक्स्ट यहीं पे दिखाए क्या, चलिए दिखाते हैं, P जो अपना बता रहे थे कि डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये क्या होता है इंटू टू इंटू ए, टू ए होता है, ठीक है, टू ए इंटू क्यू, ठीक है, यानी कि क्यू इंटू टू ए, टू ए क्या हो गया अपना डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डी, ये पूरा डिस्टेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप नोटिस कर रहे हैं क्या, टू ए और यहाँ पे क्यू है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग पी रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, थोड़ा सा हटाएंगे ऊपर से पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से पार्ट हटाएंगे, ओके, तो इतना में हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, देखिए q इंटू टू ए की जगह पे इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, p इज इक्वल टू लिखते हैं, p वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए q इंटू टू ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं p, ठीक है, और इंटू cos थीटा, ठीक है, बाय 4q एप्सिलॉन नॉट,
फोर क्यू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, फोर पाई है, सॉरी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपना आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डब्बे में बंद कर दिया जाए, इजंट इट। चलिए तो इसको बंद कर दिया जाए फाइनली। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया? ऑफ कोर्स ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ये क्या था? ये अपना डेरिवेशन, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतना भी इजी नहीं है, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा इजी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आप अगर एक दो स्टेप भी भूल गए तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन यूज़फुल रहा होगा। ठीक है, अगर यूज़फुल रहा होगा तो लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ताकि जो आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आप सबसे पहले देख पाएँ। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे और बेल आइकन के साथ ही साथ प्रेस करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा ना वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए डेरिवेशन के साथ और नए चैप्टर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।